नमस्कार दोस्तों, आज प्लांट टैक्सोनॉमी में मैं आपको एक ऐसी फैमिली के बारे में बताना जा रहा हूँ जो बड़ा वाइड स्प्रेड फैमिली है और हमारे राजस्थान में इस फैमिली के बहुत से प्लांट्स मिलते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन सभी प्लांट्स के अंदर ये हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं ज़्यादातर जनरली इसके अंदर। और ये फैमिली जो सोलनेसी फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, एंजियोस्पर्म की एक डाइकोट फैमिली है, द्विबीजपत्री कुल है, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके करीबन 90 जेनराज हैं, 2200 स्पीशीज़ हैं और करीबन इंडिया के अंदर ही इसके 15 जेनरा हैं जिसकी करीबन 85 स्पीशीज़ इसकी मिलती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो जेनरा है वो सोलनम जेनरा है जिसमें करीबन 1500 स्पीशीज़ हैं। और ये ट्रॉपिकल रीजन में, जो ट्रॉपिकल अमेरिकाना है या साउथ अमेरिका है, वहाँ इसके काफ़ी प्लांट्स इसके मिलते हैं सोलनेसी फैमिली के। और ये फैमिली मैंने इसलिए सेलेक्ट किए इस आपके प्रेजेंटेशन के लिए या लेक्चर के लिए, क्योंकि एक तो राजस्थान में इसके प्लांट्स बहुत हैं, दूसरा ये इसकी मेडिसिनल यूजेस बहुत हैं। और जैसे कुछ इसके मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स की अगर मैं बताऊँ तो इसमें जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं हमारे, जैसे पिटूनिया है, सोलनम जैस्मोनाइडिस है, सेस्टम नोक्टोनम जिसको हम रात की रानी कहते हैं, ब्रूनफेल्शिया होपियाना है जिसे हम यस्टरडे टुडे एंड टुमारो प्लांट बोलते हैं, सेल्पी ग्लोसिस है, और साइजेंथस है जिसको हम बटरफ्लाई प्लांट बोलते हैं, सेस्टम डायर्नम है जिसे हम दिन का राजा बोलते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो इसमें हैं ही, इसके अलावा एडिबल प्लांट्स जो हमारे बहुत कॉमन है यहाँ पे, जैसे हमारे आलू जिसको हम कहते हैं सोलनम ट्यूबरोसम है, बैंगन है जैसे सोलनम मेलनजोना है, टमाटर है लाइकोपरचिकम एस्कुलेंटम, फाइसिलिस पेरुवियाना जिसे हम रसबरी बोलते हैं, कैप्सिकम है एनम जिसे हम हरी मिर्च बोलते हैं या मिर्च बोलते हैं। और ये इसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट है इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एट्रोपा बेलेडोना प्लांट है जैसे, तो इस एट्रोपा बेलेडोना की जो रूट्स हैं उन जड़ों से एट्रोपिन नाम का जो एल्कलॉइड निकलता है उससे बेलेडोना नाम की एक मेडिसिन बनाई जाती है। और ये बेलेडोना मेडिसिन जो है सेडेटिव स्टिमुलेंट और एंटीस्पास्मोटिक काम करती है इसके अंदर। इसी तरह से धतूरा इनॉक्सिया है, जैसे हम जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं धतूरे का बीज, हम किसी को बोलते हैं धतूरे का बीज तो उसका मतलब क्या होता है, धतूरे का बीज ये है कि धतूरे का बीज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर, इस धतूरे के बीज के अंदर कई तरह के एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे आपका हाइसाइमिन है, एट्रोपिन है, स्कोपोलामिन है। तो ये हालांकि है तो टॉक्सिक लेकिन इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे धतूरा स्ट्रोमोनियम है उससे आप जो अपने दमा या अस्थमा है, अस्थमा की हम दवाई उसमें स्ट्रोमोनियम नाम की दवाई हम उसी से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हाइसाइमस नाइगर है जिसे खुरासानी अजवाइन बोलते हैं इसको, हाइसाइमस नाइगर को, क्योंकि इससे इसकी जो लीव्स और इसके जो फ्लावर्स हैं उससे हम एक जो मेडिसिन प्राप्त करते हैं उसको हेनबेन बोलते हैं, हेनबेन मेडिसिन हाइसाइमस नाइगर से मिलती है। और ये हेनबेन मेडिसिन जो है अस्थमा, वूपिंग कफ जो जिसको कुकर खांसी हम बोलते हैं, उसके लिए बड़ी कारगर दवा इससे हम प्राप्त करते हैं, वो भी इसके अंदर क्योंकि एल्कलॉइड्स होते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट जो हमारे यहाँ मिलता है विदानिया सोमनीफेरा, विदानिया सोमनीफेरा और विदानिया कोगलेंस, दो स्पीशीज है, कोगलेंस तो बहुत रेयर है लेकिन विदानिया सोमनीफेरा जिसको हम असगंध बोलते हैं या अश्वगंधा बोलते हैं, बहुत ही कॉमन प्लांट है। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है कि बीकानेर में या नागौर ज़िले के अंदर ये बहुतायत के अंदर मिलता है, नागौर का अश्वगंधा बहुत फेमस माना जाता है उसको, असगंध जो है वहाँ की। और कमाल की बात यह है कि मध्य प्रदेश और जैसी जगहों पर तो इस असगंध की खेती करते हैं वहाँ, लेकिन वो जो असगंध की खेती है मार्केट में वो नागौरी असगंध के नाम से बिकता है, कमाल की बात यह है। क्यों, इसमें इसकी जो रूट्स हैं उस रूट्स के बहुत ज़्यादा उसके मेडिसिनल यूज़ हैं। और रूट्स का जो खास इसका जो काम में लिया जाता है, जो इसके डिकॉक्शंस काम में लिए जाते हैं, वो अर्थराइटिस के अंदर, गठिया रोग के अंदर लिए जाते हैं, कफ के अंदर लिए जाते हैं। दूसरा इसको लोग एफ्रोडीसिया के तौर पर भी लेते हैं, मतलब बल्ब वर्धक भी है इससे जो हमारे को मिलता है। तो इसी तरह से और एक सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन राजस्थान में, यूपी में, एमपी में, ऑल ओवर इंडिया में, तो ये कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा प्लांट जो काम में आता है वो काम है निकोशियाना टैबिकम। तो ये निकोशियाना टैबिकम जो है, निकोशियाना टैबिकम या जिसको हम कहते हैं तंबाकू, जो जनरली आपके बीड़ी में, गुटके में, जर्दे में,
और सिगरेट्स के अंदर ये जो हम इसको यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में इसकी निकोशियाना टिबेकम जो है इसकी लीव्स होती हैं, सूखी ड्राइड लीव्स होती हैं, और इसके अंदर एल्कलॉइड्स जो होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में जो नशा महसूस करता है वो एनाबेसिन और निकोटिन नाम के एल्कलॉइड्स इसके अंदर होते हैं। तो ये एल्कलॉइड्स हमारे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पर डिप्रेसिंग इफेक्ट डालते हैं, और उस डिप्रेसिंग इफेक्ट की वजह से ही ये सेडेटिव या आपके एंटी स्पास्मोटिक उसमें यूज़ भी आता है, वर्मी भी उसके तौर पे भी इसको हम काम में लेते हैं, मतलब कीड़े भी इससे मारने के काम में आता है पेट के या इस तरह से। लेकिन ये जो एल्कलॉइड्स हैं लाभ के साथ साथ इनकी कई हानियां भी बहुत ज़्यादा हैं, इनके अनकंट्रोल्ड इसका जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से कैंसर भी मनुष्य के अंदर डेवलप होता है, और हमारे नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण ये निकोशियाना टैबिकम का ये एल्कलॉइड्स ही हैं, निकोटीन और जो एनाबेसिन एल्कलॉइड्स हैं इसी की वजह से ये कैंसर डेवलप हो रहा है इसके अंदर। इसके अलावा सोलेनम सुरेटेंस है, पिलिकटेली जिसको बोलते हैं, या सोलेनम जेंथोकार्पम है, बहुत से सोलनेसी फैमिली के बहुत से जो प्लांट्स हैं इनके अंदर एल्कलॉइड्स की प्रचुर मात्रा है, इसी वजह से ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। और इस फैमिली की डिटेल के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसकी लीव्स कैसी हैं, इसके अंदर आपके स्टेम कैसा होता है। जनरली इसके प्लांट्स जो हैं वो हर्बेशियस और हर्बेशियस भी होते हैं, वुडी भी हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, और लिटिल ट्रीज़ भी हैं, ज़्यादा बड़े ट्रीज़ तो नहीं होते, लिटिल ट्रीज़ हैं इसमें, और ट्विनर्स हैं इसके अंदर। ये एनुअल्स भी हैं, बाइनियल्स भी हैं, पेरिनियल्स भी हैं, बहुवर्षीय भी इसके अंदर आपको मिलते हैं जनरली। तो जैसे इसकी इनकी पूरी डिटेल के बारे में मैं आपको अभी इसके बारे में मैं आपको एक एक प्लांट के बारे में, जैसे सोलनम मेलेंजोना है, बैंगन है, उसके फ्लावर्स कैसे हैं या फ्रूट्स कैसे हैं, इसी तरह से आपके कैप्सिकम एनम है और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर है, इसकी मैं आपको पूरी लीव्स, इनके फ्लावर्स और इनकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में अभी ये डिटेल में आपको बताता हूँ। अब इसमें मैं आपको कुछ दो तीन प्लांट्स के एग्जांपल से इस सोलनेसी फैमिली के बारे में कुछ मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। इसमें देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैंगन है सोलनेसी फैमिली का, सोलेनम मेलेंजोना इसको बोलते हैं, ये हरी मिर्च है कैप्सिकम एनम, और ये टमाटर है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो इनके अंदर सबसे पहली बात तो अगर हम इसकी जड़ों से स्टार्ट करें तो इसकी रूट, क्योंकि ये डाइकोट प्लांट्स हैं, इनमें टैप रूट सिस्टम होता है, और स्टेम अगर इसका देखें हम तो स्टेम इसका सिलेंड्रिकल है, इरेक्ट होते हैं ये प्लांट, और ये भी इरेक्ट है देख लीजिए, और ये श्रब्स हैं, एक्चुअल में ये श्रब्स हैं, और इनमें जो स्टेम है वुडी है, सिलेंड्रिकल है, ग्रीन है, ग्लैबरस है, ग्लैबरस इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए इसमें कोई आपको हेयर नज़र नहीं आएगा। लीव्स में अगर आप देखें तो लीव्स इनकी एंटायर लीव्स हैं, सिंपल लीव्स हैं, जिनमें आपको क्लियर रेटिकुलेट विनेशन इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, और इन लीव्स में इनका जो ओरिएंटेशन है ये इनका अल्टरनेट ओरिएंटेशन है, ये कभी कभी ये एक ही, जैसे इसके अंदर मिर्च में आप देखिए यहाँ में ऐसा लग रहा है जैसे ये ओपोजिट है, लेकिन ये ओपोजिट नहीं है, ये अल्टरनेट इसका लीव का अरेंजमेंट है। लीव्स ग्रीन है और स्पष्ट आपको देखो इसमें पीटियोल इसका नज़र आ रहा है लीव्स का, और इसका जो ये एक्यूट है लीव्स जो है इनका टिप आप एकदम देखिए, इसकी जो मार्जिनस है वो ये एक्यूट है, एकदम ग्रीन है, ग्लैबरस है ये भी। सोलनेसी प्लांट्स का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो टिपिकल साइम होता है, और ये साइम भी जनरली इसमें मोनोकेजियल साइम या डाइकेजियल साइम होता है, और इसके फ्लावर का यदि हम देखें इसके अंदर तो फ्लावर आप ये देखिए इसके अंदर, हालांकि ये सोलनम मेलेंजोना है जिसमें अपेंडेजेस स्पाइन के रूप में इसमें अपेंडेजेस इसमें मिल रहे हैं हमें, और ये देखिए इसमें ये कैप्सिकम एनम का फ्लावर है और एक्जिलरी कंडीशन में है, मोनोकेजियल इसके अंदर साइम इन्फ्लोरेसेंस है, और ये फ्लावर है इसको इसके डिटेल में मैं अभी आपको इसको फ्लावर को निकाल के आपको दिखाऊंगा, और वाइट कलर के इसमें फ्लावर्स हैं, जबकि सोलनम मेलेंजोना जो है उसके अंदर आपको पर्पल कलर के मिलेंगे, और लाइकोपर्सिन के अंदर आपको येलो कलर के फ्लावर दिखेंगे, और ये देखिए ये टमाटर के अंदर जो है आपको इसमें अब एक्चुअल में इसमें क्या फ्रूटिंग सीज़न शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी ये देखिए ये फ्लावर इसमें देखिए, ये इसमें ये लाइकोपर्सिन का जो फ्लावर है येलो फ्लावर आपको इसमें नज़र आ रहा है, और ये भी इसकी पोजीशन भी एक्सिलरी पोजीशन है। और लीव्स के बारे में जैसे मैं बता रहा था, लीव्स इसकी इनमें कोई स्टिप्यूल्स नहीं होता, एक्सिस स्टिपुलेट होती हैं,
इस तरह से फ्लावर्स भी जो हैं इसके ई ब्रैक्टेड फ्लावर्स हैं। और अब मैं इस एक एक फ्लावर की आपको मैं इसमें डिटेल बताता हूँ। इनकी जो लीव्स हैं, लीव्स ये सोलनेसी फैमिली की ये खासियत होती है कि ये ओवल शेप्ड होती हैं या एलिप्टिकल इनकी लीव्स होती हैं। और ये एक खासियत है कि ये डायरेक्ट स्टेम पर भी लीव्स लग सकती हैं, जिनको हम कॉलोइन लीव्स बोलते हैं, स्तंभिक पत्तियां बोलते हैं। इसी तरह से रेमल लीव्स भी हैं। रेमल लीव्स का मतलब ब्रांचेस के ऊपर लगी हुई हैं, ब्रांचेस पर लीव्स लगी होती हैं। तो कॉलोइन एंड रेमल दोनों तरह की लीव्स हैं और ओवेट ओवल शेप्ड हैं, ग्लैबरस होती हैं, ग्रीन हैं। अब अपने इनके फ्लावर की हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जैसे ये सोलनम मेलेंजना का फ्लावर है और ये प्लांट के अंदर ही अगर लगा हुआ है तो हम इसमें देखते हैं कि ब्रैक्टेड फ्लावर है। मैं आपको अलग ही निकाल के इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सोलनम मेलेंजना या जिसको हम बैंगन बोलते हैं, उस बैंगन का फ्लावर मेरे हाथ में है अभी इस समय। और ये इसका क्लियर आपको इसमें पेडिसल दिखाई दे रहा है, मतलब फ्लावर ये पेडिसलेट है। ये इसके चारों तरफ आप देखिए, ये इसके कैलिक्स हैं, ये कोरोला है, और इसके अंदर जो है ये आपको स्टेमन्स और गार्निशियम इसमें आपको नज़र आएंगे। उसकी अपने बाद में सेक्शन काट के मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सोलनेसी फैमिली का जो एक पर्टिकुलर या जिसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं वो इसके कैलिक्स हैं। इस फैमिली के अंदर कैलिक्स परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये कैलिक्स जब फ्रूट सेट हो जाता है, फ्रूट बन जाता है, उसके बावजूद ये कैलिक्स इसके अंदर इनके साथ लगे हुए रहते हैं। जनरली दूसरे प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कैलिक्स कोरोला सब प्लांट से हट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इसके अंदर सोलनेसी फैमिली के अंदर जनरली ये परसिस्टेंट कैलिक्स हैं। और बैंगन के अंदर ये कैलिक्स मैक्टिसेंट कैलिक्स इनको बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये मांसल और गुद्देदार हो जाते हैं। फ्रूट के अंदर आपने देखा होगा कि ये मांसल और गुद्देदार हो जाते हैं, जबकि फाइसेलिस के अंदर और विदानिया के अंदर, फाइसेलिस के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको वो कैलिक्स सूख जाते हैं, एकदम बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, और उनको एक्रिसेंट कैलिक्स बोला जाता है, होते वो भी परसिस्टेंट है। और ये देखिए, ये कैप्सिकम एनम का फ्लावर है, इसको भी मैं ले लेता हूँ। ये देखिए, ये टमाटर का फ्लावर है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम का, ये भी पेडिसलेट है, लेकिन ये ई ब्रैक्टेट है, इसमें ब्रैक्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी भी अपने डिटेल स्टडी अभी करते हैं। इसका सोलनेसी फैमिली का जो फ्लावर है ये कंप्लीट फ्लावर होता है और रेगुलर फ्लावर है। इसका मतलब ये होता है कि इसके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं या सहायक अंग और जो भी एसेंशियल ऑर्गन्स हैं वो इसमें सारे पूरे होते हैं और सभी चक्रों में लगे हुए होते हैं। जैसे बाहर कैलिक्स है, कोरोला है, अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। दूसरा, ये फ्लावर इसमें ये पेडिसलेट है, इसके अंदर ये पेडिसल नज़र आ रहा है, इसमें आप देखिए इसमें भी पेडिसल है, और ये भी इसका व्रंथ इसका दिखाई दे रहा है, पेडिसलेट फ्लावर है ये। और इसमें कुछ प्लांट्स के अंदर तो ब्रैक्टेट फ्लावर होता है और कुछ में ई ब्रैक्टेट होता है। सोलनेसी फैमिली में फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि इसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ये एक्टिनोमॉर्फिक भी है। ये एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि यदि हम इसको किसी भी एक्सिस पे हम इस फ्लावर को यदि हम काटते हैं तो तीनों एक्सिस पर अगर हम इसको काटते हैं तो इसके बिल्कुल सिमेट्रिकल इसके दो पोर्शन हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें जनरली ये कहा जाता है कि जैसे दतुरे के अंदर है या सोलनम के अंदर है, इसमें इसके जो गाइनोशियम है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज साइड में इसमें ओब्लिक होती है ओवरी, उसकी वजह से ये हल्का सा ये जाइगोमॉर्फिक हो जाता है, इसलिए कई बॉटनिस्ट इसको जाइगोमॉर्फिक के अंदर भी रखते हैं। इसके अलावा ये फ्लावर जो है ये हाइपोगाइनस है, पेंटामेरस है। पेंटामेरस फ्लावर का मतलब ये होता है कि ये इसके फ्लावर के हर पार्ट जो हैं पाँच के मल्टीपल में होते हैं, पाँच ही कैलिक्स के, पाँच ही सेपल्स हैं, पाँच ही पेटल्स हैं, पाँच ही एंथर्स हैं, और जो है इसकी बाइकार्पलरी ओवरी है, तो ये पांच की मल्टीपल में होता है, इसलिए इसको पेंटामेरस फ्लावर बोलते हैं। इसके अलावा ये हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है कि इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, बाकी सेपल और कोरल या कोरला जो पेटल्स हैं और एंड्रोशियम, ये सारे गाइनोशियम के ओवरी के नीचे होते हैं,
ओवरी इसमें सुपीरियर होती है, इसमें हाइपोगाइनस ओवरी इसमें पाई जाती है। दूसरा, इसमें इनका शेप अलग अलग हो सकता है, जैसे कैंपेनुलेट हो सकता है, ये बेल शेप्ड हो सकते हैं। और इस फ्लावर में इसके अंदर ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये वैसे तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, लेकिन इसमें ऑब्लिक प्लेजेंटा की वजह से ये जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। और अब इसमें जो सेपल्स की बात करते हैं या कैलिक्स की बात करते हैं, सेपल सिंगुलर है और कैलिक्स हम इसको सामूहिक रूप से हम इसको कैलिक्स बोलते हैं। तो पांच इसमें कैलिक्स होते हैं, और कैलिक्स की जैसे मैंने आपको पहले भी विशेषता बताई कि कैलिक्स जो है ये परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। सोलनेसी फैमिली का ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये परसिस्टेंट कैलिक्स हैं इसमें। और लेकिन सोलनम मेलेंजोना के अंदर ये मैग्निसेंट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये गुदेदार हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं। और जबकि अन्य के अंदर ये एक्रिसेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने फाइसेलिस का आपको एग्जांपल बताया था कि फाइसेलिस के अंदर सूख जाता है, विदानिया के अंदर सूख जाता है, तो वो एक्रिसेंट कहलाता है। और इस कैलिक्स में ये कैलिक्स पाँच हैं, पाँचों आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब गैमोसेपलस है और बेल शेप्ड हैं। दूसरा, इसके अंदर इसका जो एस्टिवेशन है ये वेलवेट एस्टिवेशन है, मतलब कोर स्पर्शी, ये आपस में इस तरह से बिल्कुल एकदम से किनारे से सटे हुए होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है और परसिस्टेंट है। और ये इसमें भी देख लीजिए आप, ये टमाटर के अंदर जो है ये कैलिक्स जो है आधार से इसमें बेस से जो है ये जुड़े हुए हैं इसके अंदर। इसके अंदर मिर्च के अंदर देखिए, मिर्च के अंदर ये कैलिक्स आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है, गैमोसेपलस कंडीशन है और फाइव कैलिक्स हैं। और इसमें भी आप देखिए, सोलनम मेलेंजोना के अंदर भी, और परसिस्टेंट कैलिक्स है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि सोलनेसी फैमिली का ये बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब अपने कोरोला की अगर बात करें तो इसमें सोलनम मेलेंजोना के अंदर ये कोरोला या पेटल्स हैं इसके अंदर, पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं, पांच इनकी संख्या होती है क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर है। टमाटर के अंदर या लाइकोपर्सिकम के अंदर ये भी, इसमें भी पांच आपको दिखाई दे रहे हैं पीले रंग के, और कैप्सिकम के अंदर भी आपको ये पांच पेटल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इन पेटल्स की विशेषता है कि ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको गैमो पेटल्स इसको बोलते हैं। देखिए सारे ये आपस में जुड़े हुए हैं आधार से, और इनका जो शेप है वो कैंपेनुलेट शेप होता है या बेल शेप्ड होते हैं ये। और इनका जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन कुछ प्लांट्स के अंदर वेलवेट एस्टिवेशन हो सकता है, और जैसे इसके अंदर आपको सोलनम मेलेंजोना के अंदर है, ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट है। असेंडिंग इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है कि एक पेटल कम्प्लीटली अंदर होता है और एक पेटल कम्प्लीटली बाहर होता है, और बाकी सारे पेटल्स जो हैं अंदर बाहर होते हैं, मतलब अल्टरनेट ट्विस्टेड टाइप के होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, एक अंदर एक बाहर, बाकी सब अंदर बाहर, इसको कहते हैं असेंडिंग इम्ब्रिकेट। और ज़्यादातर के अंदर ये, इसके अंदर आपको जैसे ये टमाटर के अंदर है या मिर्च के अंदर है, इसमें आपको वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा। और इसके अलावा इसमें कलर्स तो अलग अलग होते ही हैं। इसमें सोलनेसी फैमिली के अंदर जो सेल्पिग्लोसिस प्लांट है, सेल्पिग्लोसिस प्लांट के अंदर फ्लावर्स जो हैं क्लिस्टोगेमस होते हैं। क्लिस्टोगेमस का मतलब ये होता है कि वो उसमें ब्लूमिंग नहीं होती है, और वो फ्लावर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, वो कभी भी क्रॉस पॉलिनेट नहीं होता है, कैस्मोगेमस नहीं होते, क्लिस्टोगेमस होते हैं। और अब मैं इसमें आपको एंड्रोशियम की बात करूँगा, तो एंड्रोशियम को देखने के लिए हमारे को इसके पेटल्स हटाने पड़ेंगे। और ये पेटल्स ये देखिए इस तरह से, अब इसके अंदर आपको ये एंड्रोशियम नज़र आ रहे हैं, पांच इसमें एंड्रोशियम है, पेंटामेरस फ्लावर है, इसलिए इसमें आपको पांच आपको इसमें एंथर्स दिखाई देंगे। और इन एंथर्स की ये है कि ये पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, एपी पेटल्स है, दरलग्न है इन पेटल्स के साथ, और अल्टरनी पेटल्स है, मतलब पेटल्स के एक पेटल के अल्टरनेट है, ये हर पेटल के अल्टरनेट है। और इन एंड्रोशियम में ये देखिए एंड्रोशियम, और ये इसमें आपको बाई थिकस आपको दिखाई दे रहा है, ये पोलियंड्रस हैं, पोलियंड्रस का मतलब है पृथक हैं, एक दूसरे सेपरेट हैं, जुड़े हुए नहीं हैं ये आपस में, लेकिन दल से जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस हैं। और इनमें जो एंथर्स हैं ये बाई थिकस हैं, बाई थिकस का मतलब इसका अगर हम ये आपको देखें, इसको यदि हम इसका टी एस अगर हम काटेंगे तो हमारे को इसके अंदर फोर इसके अंदर चैम्बर्स नज़र आएंगे,
दो लोकाई नज़र आएंगे और फोर इसमें आपको चैम्बर्स इसके अंदर नज़र आएंगे, बाइथिकस है और बेसी फिक्स्ड है, आधार लगना है इसके। जो फिलामेंट है इसको अगर मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से, और इसके अंदर जो है ये देखिए, इसमें ये बेसी फिक्स्ड है और इंट्रोर्स हैं ये। इंट्रोर्स, इंट्रोर्स का मतलब ये होता है कि इस ये हमेशा इनका जो मुंह है गाइनोशियम की तरफ रहता है। जब भी इसका डाइसेंस होगा तो इसके पॉलन्स जो हैं वो गाइनोशियम की तरफ जाते हैं, और इसमें जनरली जो डाइसेंस है या इसका जो स्फुटन है छिद्रों के द्वारा होता है। इसके टॉप में देखिए, ये इसके एंथर लोब्स के जो है टॉप में इसमें पोर्स होते हैं, इन पोर्स से इसमें से पॉलन ग्रेन्स इसमें से निकलते हैं, और ये इंट्रोर्स होता है हमेशा। और यदि इसकी गाइनेशियम की बात की जाए तो इसके लिए मैं आपको इसका फ्लावर का आपको ये आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर ये, इनको यदि हम सारा इसको हटा दें तो ये इसकी गाइनेशियम इसके अंदर आपको नज़र आएगी, और गाइनेशियम में आप एकदम क्लियर आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें, ये मैंने सारे स्टेमन इसके, ये स्टेमन्स हटा दिए हैं इसके सारे, और ये आपको एकदम क्लियर इसके अंदर आपको गाइनोशियम इसमें नज़र आ रही है, जिसके अंदर देखिए नीचे ये इसके ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये इसकी कैप्टेट स्टिग्मा है, और ये ओवरी जो है इसके अंदर बाईकार्पलरी होती है, क्योंकि इसके अंदर दो कार्पल्स हैं और सिनकार्पस हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, संयुक्त हैं। और इसके अंदर अगर हम इसमें देखेंगे, इसका टीएस काट के यदि देखें तो इसके अंदर, इसमें जो प्लेजेंट है वो सोलन प्लेजेंट है इसके अंदर दिखाई देता है। सोलनेसी फैमिली का ये विशेष करेक्टर है कि इसमें सोलन प्लेजेंट है इसके अंदर दिखाई देता है। स्टाइल इसकी लंबी है और ओवरी सुपीरियर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था हाइपोगाइनस फ्लावर है कि इसमें ओवरी सुपीरियर है, बाकी के सारे ऑर्गन्स जितने भी है, चाहे वो एंड्रोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है, वो सारे इसके इसके नीचे से ही इसमें से राइज होते हैं, और ओवरी इसमें सबसे टॉप में होती है, सुपीरियर है, इसलिए हाइपोगाइनस है। और यदि हम इसका सेक्शन काट के यदि देखें तो इसके अंदर हमारे को प्लेजेंटा एक तो स्वोलन दिखाई देगा, दूसरा ऑब्लिक दिखाई देगा, और उसके अंदर प्लेजेंटा के अंदर जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स आपको एक्सिस पे लगे हुए दिखेंगे, एक्साइल प्लेजेंटेशन इसके अंदर होता है। और ये देखिए, मैं अब आपको इसका जो है टीएस काट के एक और दिखाता हूँ। ये तो देखिए इसका सोलेनम मेलनजेना का है, इसी तरह से मैं आपको लाइकोपर्सिकन या टमाटर का मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर इसकी भी ओवरी देखिए आप इस तरह से, और इसमें देखिए ये इसमें देखते हैं कैप्सिकम के अंदर, ये देखिए कैप्सिकम में ये इस तरह से, इसके अंदर जो एंथर्स हैं ये बेसी फिक्स्ड इसके अंदर एंथर्स हैं बहुत, एक्चुअली ये माइक्रोस्कोप में देखने लायक है, या डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है उसके अंदर इसकी हम अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये अच्छे से इसको नज़र आ जाए, इसलिए मैंने इसको सोलेनम का आपको लिया है। सोलेनम में एकदम क्लियर है, ये देखिए आपको एक और दिख रहा है, और इसको मैं अभी आपको इसका सेक्शन काट के मैं अभी आपको इसको और दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसको ब्लेड से काट के इसको थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए आप इसमें एकदम एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा, ये देखिए इसके अंदर ये सभी इसके चक्र आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। ये ओवरी है देखिए इसके अंदर, ये ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है, और ये कैलिक्स है सबसे नीचे, कैलिक्स, सेपल्स, और ये कोरोला, और एंड्रोशियम मैंने इसमें से हटा दिए। एक इसमें विशेषता और होती है कि इसके अंदर नेक्ट्रीज होती हैं, या नेक्ट्रीज होती हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, मतलब वो उसको जनरली हम इसको बोलते हैं एंटमोफिली होता है, इसके अंदर एंटमोफिलस इसके अंदर पॉलिनेशन होता है। और इसमें मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर नेक्ट्रीज होती हैं, नेक्ट्रीज मकरंद ग्रंथियाँ होती हैं जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं,
और इसीलिए इसके अंदर जो परागण है जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, जिसको हम एंटोमिफिली होती है इसके अंदर। और जनरली लेपिडोप्टेरा जो इंसेक्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और ये इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इसकी कैपिटेट होती है, बाकी बाई कुछ प्लांट्स के अंदर आपको बाइफिड मिलेगी। और इसलिए अब इस पॉलिनेशन होने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्पिग्लोसिस जो है, सेल्पिग्लोसिस में क्लिस्टोगेमस होता है, तो उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद में, जाइगोट बनने के बाद में, या जो पॉलन ग्रेन्स हैं और जो मेल गैमेट्स जब इसमें फ्यूज़ होंगे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के साथ, ओव्यूल में एंटर करके गैमेट के साथ, फीमेल गैमेट के साथ, एग के साथ, और जब इसमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, तो वो फ्रूट जो इसके अंदर बनेगा वो इसके अंदर बेरी फ्रूट होता है, जैसे आपने बैंगन के अंदर देखा होगा, या आपने फाइसेलिस रसबरी के अंदर आपने देखा होगा, या विदानिया के अंदर आपने देखा होगा, या जिस तरह से टमाटर का फ्रूट देखते हैं गोल एकदम जो है, वो एक्चुअल में बेरी फ्रूट है। और उस बेरी फ्रूट के अंदर के ऊपर जो है आपको ये कैलिक्स उसके अंदर हमेशा मिलेंगे, किसी भी फ्रूट के अंदर, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो आप मिर्च हो, उसके अंदर आपको ये कैलिक्स ज़रूर मिलेगा। ये सोलनेसी फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है इसके अंदर। अब मैं आपको इसके फ्लोरल डायग्राम के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए इस फ्लोरल डायग्राम, ये सोलनम नाइग्रम का फ्लोरल डायग्राम है। इसमें ये ऊपर मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस एक्चुअल में जो पुष्पावली ग्रंथ होता है या फ्लोरल एक्सिस होती है उसके बारे में है। मदर एक्सिस इस फ्लोरल डायग्राम में बनाने इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी से किसी भी फ्लावर का जो है एंटीरियर या पोस्टीरियर भाग का पता लगता है। जैसे फ्लोरल एक्सिस वाली साइड जो है वो हमेशा पोस्टीरियर होती है और इसके ऑपोजिट साइड जो है वो एंटीरियर होती है। और इसमें ये जो बाहर का चक्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर इसमें कैलिक्स हैं, 5 कैलिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सारे कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। एस्टिवेशन, इनका वेलवेट एस्टिवेशन इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अंदर के चक्र में ये जो है ये कोरोला हैं, पेटल्स हैं, ये पेटल्स भी आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए गैमोपेटलस है। और इनका एस्टिवेशन भी यहाँ पे आपको ये वेलवेट एस्टिवेशन आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर की तरफ जो है, अंदर के चक्र के अंदर आपको ये एंड्रोशियम या स्टेमल्स दिखाई दे रहे हैं और ये अल्टरनी पेटलस हैं। देखिए पेटल के अल्टरनेट हैं, अल्टरनी पेटलस हैं और एपी पेटलस हैं, दलों से जुड़े हुए हैं, पेटल से जुड़े हुए हैं। एपी पेटलस कंडीशन इसके अंदर दिखाई दे रही है। और इसके जो ये जो एंथर हैं, इसमें जो स्टेमन्स के जो एंथर लोब्स हैं वो देखिए इंट्रोर्स हैं, गायनोशियम की तरफ ये खुल रहे हैं। इनका टूवर्ड्स, इनका ओरिएंटेशन जो है गायनोशियम की तरफ है, इसलिए इसको इंट्रोर्स कहते हैं। बेसी फिक्स्ड हैं। और अंदर के चक्र में आपको ये ओवरी या गायनोशियम दिखाई दे रही है। इस ओवरी के अंदर ये खासियत आपको मैंने पहले बताई थी कि ये जो प्लेजेंटा है, बीच में जो प्लेजेंटा दिखाई दे रहा है, ये प्लेजेंटा सोलन प्लेजेंटा होता है। सोलनेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सोलन प्लेजेंटा है, जिस पर ये ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं। देखिए ये बाइकार्पलर, ये दो कार्पल हैं क्योंकि इसके अंदर, और दो इसके अंदर लोक्यूल नज़र आ रहे हैं और ये ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं। प्लेजेंटा पर ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। और इसकी एक विशेषता है, जैसे मैंने फ्लावर की बताई थी कि एक्टिनोमॉर्फिक है, कि आपको इसको चाहे एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यदि इसको दो भागों में काटे या आप किसी दूसरे एंगल से इसको आप वर्टिकल साइड से आप इसको काटें या किसी तीसरी साइड से आपको काट, तीन अगर एक्सिस से अगर आप इसको काटेंगे तो दो बिल्कुल बराबर भागों में आपको इसके दो बराबर मिरर इमेज इसकी आपको दिखाई देगी। ये एक्टिनोमॉर्फिक है। लेकिन अब चूंकि इसके अंदर देखिए आप, ये गायनोशियम जो है ओवरी के अंदर जो प्लेजेंटा है, ये 45 डिग्री ये ऑब्लिक हुआ हुआ है, टेढ़ा हुआ हुआ है। इस वजह से ये फ्लावर थोड़ा सा क्या है, जाइगोमॉर्फिक हो रहा है। इसलिए कुछ जो बॉटनिस्ट हैं वो इसको जाइगोमॉर्फिक की श्रेणी में लाते हैं, जबकि अधिकांशतः इसको एक्टिनोमॉर्फिक में लाते हैं, क्योंकि ये स्टेज इसमें, ये लेटर स्टेज के अंदर होता है सोलन प्लेजेंटा। कुछ के अंदर जैसे धतूरा है, धतूरे के अंदर यहाँ कभी कभी इसके अंदर यहाँ फॉल्स सेप्टा भी बन जाते हैं, यहाँ फॉल्स सेप्टा इसके अंदर बन जाते हैं इसकी दीवार से। तो ये जो बाइकार्पलरी की बजाय ये टेट्राकार्पलरी कंडीशन दिखाई देती है इसके अंदर, 4 चैम्बर इसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये फ्लोरल डायग्राम इस सोलनेसी फैमिली का है। अब सोलनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, इसमें देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे BR। BR का मतलब ये है कि ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिस प्लांट के अंदर ब्रैक्टिएट है, या हम लिख सकते हैं EBR। EBR का मतलब ई ब्रैक्टिएट, जिसके अंदर ब्रैक्टिएट मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर हम इसमें लिखेंगे इसके अंदर
ये जो साइन है ये साइन बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए होता है, जो जिसमें दोनों सेक्स मौजूद होते हैं, गैनोशियम और एंड्रोशियम। उसके बाद में साइन आता है, इस तरह का साइन हम बनाते हैं। ये साइन एक्चुअल में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए है, और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब त्रिज्या समित। उसके बाद हम लिखते हैं के फाइव। के फाइव का मतलब ये है कि इसके 5 कैलिक्स हैं इसके अंदर, और ये कैलिक्स आपस में ये गैमोसेपलस है। और इसी तरह से इसके बाद में सी फाइव। सी फाइव का मतलब गैमोपेटलस, पेटल्स इसके फ्यूज्ड। और इसके बाद में एंड्रोशियम, इसमें 5 एंड्रोशियम है, और ये एंड्रोशियम पॉलीएंड्रस कंडीशन है, और लेकिन ये एपीपेटलस कंडीशन है इसके अंदर। और ये गैनोशियम इसके अंदर बाई कार्पलरी, इसलिए हमने 2 लिखा है, और ये जुड़े हुए आपस में कार्पल्स, इसलिए सिनकार्पस, और इसके नीचे अंडरलाइन का मतलब ये है हाइपोगाइनस ओवरी। फ्लोरल फार्मूला है वो इस तरह से इसका लिखा जाता है। तो इस तरह दोस्तों मैंने आज आपको सोलनेसी फैमिली के बारे में बताया, इस वीडियो के बारे में या ये इस फैमिली के बारे में मैंने आपको जो बताया, इसका मेरे को फीडबैक आप अवश्य दें। और अगली बार मैं एक नई फैमिली के साथ आपके साथ फिर सामने आऊँगा, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो का मेरे को फीडबैक आप अवश्य दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग होगी कि आपके जो विचार होंगे या आपके जो फीडबैक होगा उससे मेरे को अपने आप को करेक्ट करने का या और सुधार करने का और इम्प्रूव करने का मेरे को मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।